नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद आपको आपके क्षेत्र में विकास की हकीकत से रूबरू कराना है, ये बताना है आपके विधायक जी ने क्या काम किए हैं, जो वायदे आपके विधायक ने चुनाव के वक्त आपसे किए थे उनके प्रति विधायक जी आज की तारीख में कितना समर्पित हैं, आने वाले वक्त में क्षेत्र के विकास के लिए विधायक जी क्या क्या योजना है उनके पास, इन्हीं सवालों के साथ आज जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम पहुंची उत्तराखंड की सल्ट विधानसभा सीट, ये जानने के लिए यहां से विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने पिछले ढाई साल में क्या का जो है काम किए हैं और क्षेत्र की जनता विधायक के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। पर्वतीय ढलानों पर चढ़ते टेढ़ी मेढ़े रास्ते, हरे भरे मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां और घाटियों के बीच बसा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का सल्ट विधानसभा क्षेत्र। आज हम इसी सल्ट विधानसभा क्षेत्र का जायजा लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले ढाई सालों के दौरान यहां विकास की रफ्तार क्या रही, वो क्या समस्याएं हैं जिनसे यहां की जनता निजात चाहती है, जो वायदे विधायक जी ने किए वो पूरे हुए या सब अभी भी अधूरे हैं। हम इस समय कुमाऊं के पहाड़ों में हैं। खूबसूरत नजारे यहाँ पे चलते हुए बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं। मेरे बाएं हाथ पे हिमालय के ग्लेशियर्स जो है वो बहुत आसानी से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जो क्षेत्र है ये विधानसभा पड़ती है सल्ट, और पहले कभी इस विधानसभा का नाम भिकियासेण भी होता था और भिकियासेण के बहुत सारे क्षेत्र सल्ट विधानसभा में आ गए परिसीमन के बाद। इन खूबसूरत नज़ारों से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि जो सल्ट विधानसभा है ये रामनगर से सीधा सीधा जुड़ी हुई है, और रामनगर मतलब कॉर्बेट पार्क, और ये विधानसभा दूसरा जो क्षेत्र है वो रानीखेत है जिससे जुड़ा हुआ है। 2017 विधानसभा चुनाव में सल्ट विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के सुरेंद्र सिंह जीना ने जीत दर्ज की थी, जो सल्ट विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। सुरेंद्र सिंह जीना ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गंगा पंचोली को हराया था। 2017 विधानसभा चुनाव में सुरेंद्र सिंह जीना को करीब 50% वोट मिले थे। राजनीति के लिहाज से अगर पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो सल्ट विधानसभा सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा है। सल्ट विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र सिंह जीना लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। पहली बार 2007 में भिकियासेण से विधायक चुने गए, लेकिन इसके बाद परिसीमन में भिकियासेण विधानसभा सीट खत्म हो गई और एक नई विधानसभा सीट अस्तित्व में आई जिसका नाम सल्ट विधानसभा क्षेत्र रखा गया। सुरेंद्र सिंह जीना ने 2012 में हुए विधानसभा चुनाव यहीं से लड़ा और जीते भी। इसके बाद 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में भी उन्हें जीत मिली। लेकिन सवाल सुरेंद्र सिंह जीना के राजनीतिक ग्राफ और जीत हार का नहीं है, सवाल है कि विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ढाई साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लिहाजा जो वायदे उन्होंने किए थे उनमें से कितने पूरे हुए, वो क्या काम है जो विधायक सुरेंद्र सिंह जीना ने करवाए हैं, और आज जो सैकड़ों हमारे गांव हैं मानले क्षेत्र में, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां अभी रोड नहीं गई हो। रोड का काम मेन माननीय विधायक जी को सिर जाता है। ये एक चीज और विशेष रह गई है, जो शिक्षा का जो उत्थान किया है
माननीय विधायक जी ने किया। हमारे 20 साल पुरानी रोड रुकी है कलोली मुड़ा देवी खाल, इससे पहले भी कई जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं। उसमें मैं विधायक जी के पास आया, उसमें कम से कम हमारे कम से कम 2000 लोग जुड़े हुए इस रोड से, काफ़ी ग्राम पंचायत छुट्टी। तो मैंने विधायक जी कहा कि कलोली मुड़ा देवी खाल रोड का हमारा क्या हुआ, तब विधायक जी ने अभी मेरे सामने एक्शन साहब को फ़ोन करके कहा कि इस रोड का क्या कर रहे हो, कहाँ तक पहुँच गए। उन्होंने कहा अभी एक महीने में ये काम चालू हो जाएगा। मैं विधायक जी से सड़क की मांग करने आया हूँ, बहुत पुरानी बरसों पुरानी हमारी तड़म वाली घुगती धार मिलनी है उस रोड में, कहीं पर थोड़ा वन विभाग भी आ रहा है, हम सोचें इसका समाधान करें। तो करीब 8 या 9 किलोमीटर बैठेगी ये रोड। हंसी ढूंगा गुजरूर पंपिंग योजना 35 करोड़ की योजना है, पानी की स्वीकृत हुई है, काम जोर शोरों से चालू है। और फिर एक दूसरा काम उन्होंने अभी भी फिलहाल एक सड़क कटवाई है हमारे वहाँ तड़म सतरिया तोक में, उसके लिए क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं विधायक जी का धन्यवाद करने आया हूँ। और कुछ मांगी थी, अजूली तल्ली में हमारी नदी के ऊपर एक मोटर पुल बनना है, और ढणा सुनियल गाँव हमारी सड़क है, कई टाइम से पब्लिक परेशान है, 3-4 किलोमीटर पब्लिक को ऊपर चढ़ना पड़ता है, मरीज होते हैं, बीमार होते हैं, गाँव में युवा रह नहीं गए हैं, तो लाने ले जाने में दिक्कत होती है, सामान लाने में, मरीजों को लाने ले जाने में। तो विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि यह काम भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। तल्ला बिल गाँव में आधे गाँव में केबल की तार सेट हो गई हैं, आधे गाँव में तारों का जाल विषय जो आए दिन हमारे जो लाइट है ड्रिप कर जाती हैं। पिछले 2.5 साल में विकास के कई कार्य हुए हैं, लेकिन अभी भी तमाम समस्याएं बरकरार हैं, जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हम इस समय भिकियासैंण क्षेत्र में हैं। भिकियासैंण में स्थानीय विधायक, सल्ट के जो स्थानीय विधायक हैं, उनका आवास है, और उनके आवास पे तमाम लोग सामान्य प्रक्रिया के तहत यहाँ पहुँचे हैं, अपनी अपनी बातों को लेकर, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लोग यहाँ पहुँचे हैं। खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ये क्षेत्र है और तमाम लोग यहाँ पर हैं। लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं सुभाष बिष्ट, अजूली मल्ली से, सल्ट। आप यहाँ आए हैं, क्या आप काम को लेकर आए हैं विधायक के पास? मैं ढणास अछरौन के लिए ये सड़क की मेरी बहुत पुरानी एक मांग थी, उसको ये विधायक जी ने मुझे आज आश्वासन दिया है कि मैं उसे जल्दी पूर्ण करूँगा। तो सड़क और छोटे छोटे पुल के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरीश चंद ध्यानी है, मैं CSE BLE जिला अध्यक्ष भी हूँ और अपने गांव का जो है ग्राम गहना तिमले से भी हूँ। और मैं विधायक जी से, हमने जो है राजेंद्र पहली बार कदम रख रहे हैं, तो विधायक जी से उम्मीद लेके आए हैं कि एक सल्ट और भिकियासैंण को जोड़ने वाली एक जहाँ पर झूला पुल है उसको जीव मोटर पुल बना दिया जाए, ताकि जो है आमने सामने वाले जो है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी तय न कर करके 1 किलोमीटर में ही जो है आदान प्रदान हो सके। अच्छा, आप क्या नाम है गुरुजी? मेरा नाम बालम सिंह बिष्ट। आप? मैं पूर्व अध्यापक, मैं भी 1.5 किलोमीटर रोड के लिए आया हूँ। 1.5 किलोमीटर रोड है, विधायक जी ने उसमें अपनी निधि से JCB एक बार दे दी, लेकिन पक्की नहीं बन पाई है। कैसे आप आए हैं? आप जनप्रतिनिधि भी हैं, और कैसे विधायक साहब, कैसे आप लोगों के काम करते हैं, कैसे संपर्क करते हैं? बहुत ही अच्छा संपर्क रहता है हमारे साथ, और अपने हर जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ उनके कंधे से कंधे मिला के चलते हैं वो। और आज मैं इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि मेरे वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, तो किराए में रहते हैं वहाँ पे जो डॉक्टर हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मेरे वहाँ पे ANM सेंटर भी है, मगर मैं चाहता हूँ वो किराए की देख के मैं चाहता हूँ कि हम अपनी हमारी जो पंचायत भूमि है उसको दें, वहाँ पे सरकारी जमीन के लिए हम देने को तैयार हैं। हम चाहते हैं वहाँ पे एक भवन बन जाए, वहाँ पे जो हमारे वेल क्वालिफाइड डॉक्टर भी हैं वहाँ पे, और फार्मासिस्ट भी हैं, ANM है और नर्स हैं, हम कहते हैं हम चाहते हैं कि उनको सबको एक वो सपोर्ट मिल जाएगा अगर वहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा वहाँ पे खुल जाए तो। ठीक है, एक विशेष निवेदन मेरा ये है कि डेरलगांव तल्ला में विद्युत की समस्या काफ़ी खराब चल रही है, तारों का जाल जीर्ण हाल में है, और एक 15 kV वाट का ट्रांसफार्मर 60 कनेक्शन चला रहा है। माननीय विधायक जी से पहले भी हमारी बात हुई है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, और मैं विधायक जी से कहूँगा कि एक नया ट्रांसफार्मर बिरलगांव तल्ला के लिए लगाया जाए। स्थानीय जनता, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है, पूर्व जनप्रतिनिधि जो है, वो आज अपनी समस्याओं को लेकर इनके आवास पर आए हैं। तो विधायक साहब से एक सवाल तो मैं ये पूछूंगा कि इतने लोग अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं, कई जगह सड़क नहीं है, तो अब तक सड़क कुछ जगह पर नहीं बन पाई है, इसका कारण भी बताइए। देखिए, मैंने कल भी आपको बताया कि लगभग 80% अपने विधानसभा क्षेत्र को मैं सड़कों से जोड़ चुका हूँ, लेकिन आज भी 20% जो क्षेत्र छूटा हुआ है। अब क्योंकि मैंने बहुत सारी विधायक निधि से अपनी सड़कें कटवाई हैं, पहले हम लोग आमतौर पर 2-3 लाख रुपये से रास्ते बनवाते थे, और हर साल वो रास्ते बनते थे फिर टूट जाते
जाते थे। अब ये क्योंकि तीन बार विधायक बनने के बाद समझ आता है कि रास्तों में पैसा बर्बाद ना करके आजकल जेसीबी मशीन इजीली मिल जाती है और हर गांव को, क्योंकि मुख्य सड़कें कटवा दी हैं, एक एक दो दो किलोमीटर के जो गांव वंचित रह गए थे सड़क से, अब विधायक निधि से उनको काट कर हम वो काम कर रहे हैं। जैसे अभी गुरु जी ने भी बताया कि रोड तो कट गई है लेकिन उसको पक्का कराना है, तो मैं आपके माध्यम से गुरु जी को ये बता भी रहा हूँ कि PWD में उसका एस्टिमेट बन रहा है, नैलवाल पाली कनगड़ी वाली जो रोड है, और वो पक्की भी हो जाएगी क्योंकि 10 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को दिया है, और मैं जो रोड में विधायक निधि से कटा रहा हूँ उसको पक्का करने का काम ही उनसे कर रहा हूँ। तो मैंने बताया कि मेरी 2-3 सड़कें, जैसे मानीला क्षेत्र में एक सबोली बन से तोल बुधानी रह गई है, देघाट क्षेत्र में तल्ली चमाड़ी नारायण मंदिर रह गई है, तल्ला सड़क में हरला विकास रह गई है, ये मुख्य सड़कें रह गई हैं जो मुझे और करवानी है। तो अगर ये सड़कें हो जाएंगी तो 100% मेरी सड़कें स्वीकृत हो जाएंगी। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें बताइए, ये मुझे लगता है कि 2021 तक मैं सब गाँव जोड़ दूंगा सड़क से। बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं के साथ इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है, जिसके चलते पिछले कुछ वक्त में सल्ट विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे अल्मोड़ा में तेजी से पलायन हुआ। नतीजा, जहां पूरे देश की आबादी बढ़ रही है, सल्ट विधानसभा क्षेत्र की जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हिमालय क्षेत्र अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, यही वजह है कि हिमालय हमेशा से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इस हिमालय की समस्याएं भी हिमालय जैसी ही विकट हैं। शायद यही वजह है कि हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोग लगातार गांव से पलायन कर रहे हैं। अल्मोड़ा एक ऐसा जिला है जहां की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक है, यानी हर 10 साल में अल्मोड़ा जिले की जनसंख्या पहले के मुकाबले कम हो जाती है। ये एक बड़ी चुनौती पूरे पहाड़ की है। अल्मोड़ा जिले में ही सल्ट विधानसभा क्षेत्र है। विधायक खुद इस बात को मानते हैं कि पलायन एक बड़ी चुनौती है जिसका सामना पूरा अल्मोड़ा जिला कर रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों से हो रहे पलायन की सबसे ज्यादा मार अल्मोड़ा पर पड़ रही है और सल्ट विधानसभा क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। ज्यादातर लोग रोजगार की तलाश में अपने घरों को छोड़कर मैदानी इलाकों में पलायन कर गए, जिस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना भी मानते हैं हमें इस दिशा में काम करने की जरूरत है। उनका कहना है कि राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई होम स्टे योजना इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। 2007 में बहुत सारे काम मैंने शुरू किए थे, जैसे मेरे क्षेत्र में एक मानीला बरकिंडा पेयजल योजना थी जिससे लगभग 140 गांव में पानी जाना था। 2011 में शुरुआत मुझे पैसे की मिली थी, 10 करोड़ में लेकर आया था 2011 में, लेकिन उसके बाद सरकार बदल गई और वो करीब 36 करोड़ रुपए की योजना थी, हमको पैसा नहीं मिल पाया। विपक्ष में हम लोग लगातार, आपने देखा भी होगा कि विधानसभा में भी सौतेला व्यवहार हो रहा करके लगातार मामला उठाते थे, लेकिन इस बार मुझे बड़ी खुशी है कि 2017 में जीतने के बाद ही लगातार मुझे 30 करोड़ रुपया उस मानीला बरकिंडा पेयजल योजना के लिए मुझे पैसा मिला है और आज वो पेयजल योजना हर घर में पानी पहुंचा रही है। मानीला क्षेत्र की पेयजल योजना थी और 190 गांव में 142 गांव में पानी जाना था, उसके लिए मैं पैसा लेकर आया हूँ करीब पूरा 40 करोड़ रुपया लेके। इन 2.5 साल में वो जो बाकी बचा हुआ पैसा दिलाकर वो पैसा लाकर मैंने काम चालू कराया है और मुझे उम्मीद है कि मेरे इसी कार्यकाल में वो 190 गांव में भी पानी चला जाएगा। और कुल मिलाकर इस पीरियड में मेरे सल्ट विधानसभा में, क्योंकि लगातार 3 बार मेरे टर्म हो गया, पहाड़ी क्षेत्र था, पानी की दिक्कतें रहती थी, माँ बहनों को 4-4, 5-5 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता था, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे क्षेत्र की जितनी भी पेयजल योजनाएँ हैं और मुझे लगता है कि इस पीरियड के बाद 2021 से पहले पहले सल्ट के हर गांव में पानी का मैंने लोगों को वादा किया था और अभी 35 करोड़ की एक योजना मेरे के लिए मैं पैसा लाने में सफल हुआ हूँ इन 2.5 सालों में और 30 करोड़ रुपए मानीला बरकिंडा के लिए, शशिकाल कोटेश्वर के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए मैं लेकर आया हूँ, इस तरह करीब 125 करोड़ रुपया इस सल्ट विधानसभा में पानी के लिए मैंने स्वीकृत करा दिया है और मुझे लगता है कि मेरे इस पीरियड में सल्ट के हर गांव में पानी पहुंच जाएगा, ये मैंने अपने चुनाव में वादा भी किया था और इस वादे को मैंने पूरा करके इस बार दिखाया है। माँ बहनों को 4-4, 5-5 किलोमीटर पानी के लिए जाना पड़ता था, उसी तरह सड़कें नहीं थी। सल्ट विधानसभा के मुझे लगता है कि 75% गाँव सड़क से दूर थे और आज मुझे बहुत खुशी है करीब 80% गांव मैंने सड़क से जोड़ दिए हैं। लगभग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ही 40 सड़कें मैंने अपनी विधानसभा में कटवाई हैं। राज्य सेक्टर की भी मेरी जो लंबी सड़कें थी वो सब मैंने कटा दी हैं और 2 या 3 सड़कें मेरी लंबित रह गई है। तो मैं आज बड़े फख्र के साथ ये कह सकता हूँ कि मैंने जब चुनाव हुए थे 2017 में तो ये लोगों को वादा किया था कि हर गाँव में पानी और हर गाँव में मैं सड़क ले आकर इस पीरियड में आपको दिखाऊंगा, तो 80% मैंने सफलता प्राप्त कर ली है
और मेरा 20% क्षेत्र जो है सड़क से छूटा हुआ है, और अभी मेरे पास 2 साल का समय और है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सल्ट के हर गांव को मैं 100% गांव में सड़क ले जाऊंगा। और एक बड़ा काम मैंने और भी किया कि राज्य सेक्टर की सड़कों से 2-2 किलोमीटर गांव जो छूट जाते थे वो मैंने अपनी विधायक निधि से अपनी कटवाई, और 100 से ज़्यादा सड़कें इन 2 सालों में या पिछले 3 सालों में मैं अपनी विधायक निधि से कटा चुका हूँ। और मुझे ये अच्छा भी लगा क्योंकि विधायक निधि से हम रोड तो कटवा लेते थे लेकिन उसको ठीक नहीं कर पाते थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को 10 करोड़ रुपये कहा था कि वो अपने विवेक पे उसको खर्च कर ले। तो करीब 50 सड़कें मैंने वो 10-10 करोड़ रुपये जो मुझे साल का मिला था उससे करीब 50 सड़कें मैंने वो भी ठीक करा ली है। पहाड़ों में लगातार प्लान हो रहा है और अल्मोड़ा जिला प्लान में सबसे आगे है, और उसमें भी सल्ट विधानसभा सबसे ज़्यादा प्लान अगर कहेंगे तो सल्ट से है। अगर हम दिल्ली अन्य शहरों में भी चुनाव में भी हमारी ड्यूटी लगी तो मुझे सल्ट के सारे लोग नजर आ रहे थे, और आपने देखा होगा कि लोकसभा में भी सबसे कम मतदान हुआ है सल्ट विधानसभा से, सिर्फ 38% मतदान हुआ। इसका बड़ा कारण मुझे लगता था कि सब सल्ट के लोग क्षेत्र से बाहर चले गए। अल्मोड़ा जिला ही आपने देखा प्लान में हो गया, तो कैसे लोगों को वापस लेकर आएँ? तो मेरे क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सैलानी वहाँ तक आते हैं जिम कॉर्बेट तक, जिम कॉर्बेट आकर पूछते हैं कि साहब इससे आगे क्या है, तो आमतौर पर उनको ये जवाब मिलता है कि आगे कुछ नहीं है, आप या तो नैनीताल चले जाइए या रानीखेत चले जाइए या वहाँ से वापस चले जाइए। तो मेरा ये था कि वो जिम कॉर्बेट तक जो लोग आ रहे हैं उनको मुझे उनको वापस ऊपर तक लेकर आना है। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने 2019 में मानीला महोत्सव में अपने यहाँ बुलाया था, तो मैंने एक नया उनसे सर्किट की पर्यटन सर्किट की घोषणा भी कराई है जिसमें मैंने मरचूला तक, हमारे यहाँ बहुत सारे रेस्ट हाउसेज बने हुए हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं, लोग मरचूला तक भी आते हैं जंगल देखने के लिए लेकिन मरचूला से फिर वापस चले जाते हैं। मरचूला से लोगों को ऊपर हम कैसे लेकर आएँ, तो उसके लिए मैंने मरचूला मानीला चित्तौड़ खाले के मेरे बहुत धार्मिक पर्यटन के तौर पर कालिंका देवी का मंदिर है, जूनियागढ़ी मंदिर है ऊपर जो बिल्कुल पहाड़ पे जाके किला बना हुआ है एक, तो उनको और प्रसिद्धि मिल जाए धार्मिक पर्यटन के रूप में हम लोगों को ले पाएँ। तो मैंने एक नया पर्यटन सर्किट स्वीकृत कराया माननीय मुख्यमंत्री से, मरचूला मानीला चित्तौड़ खाल और भिक्कासैन। और आने वाले टाइम में मैंने एक विधानसभा में संकल्प भी लगाया था जिसमें रामनगर से चौखटिया ट्रेन चले, तो उस लाइन पर ट्रेन भी आने वाले टाइम में चलने वाली है। तो मेरा एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि लोग जो जिम कॉर्बेट आते हैं उसके बाद मरचूला पहुँचे, वहाँ से मानीला आए, चित्तौड़ खाल आए, और चित्तौड़ खाल आने के बाद वो भिक्कासैन से अपना ट्रेन पकड़कर वापस जाए। सल्ट विधानसभा क्षेत्र खूबसूरत वादियों के बीच बसा है, लिहाजा अगर पर्यटन को बढ़ावा मिलता है तो रोजगार के अवसर तो पैदा होंगे ही और पलायन पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि तमाम लोग इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखते। जैसे स्वास्थ्य विभाग में हमारे वहाँ हॉस्पिटल बनी, बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें डॉक्टर हो चाहे अल्ट्रासाउंड हो चाहे एक्सरे मशीन की मैंने कई बार वहाँ भी बात रखी है, बाकायदा हमने धरना भी दिया वहाँ 2 बार। हमने कहा हमारी वहाँ की गरीब जनता है, 70% सल्ट में गरीब जनता रहती है, और वो कहीं थोड़ा फ्रैक्चर माते हैं हमारी बहनें पेड़ से गिर जाती हैं, तो वहाँ अगर रामनगर थोड़ी भी फ्रैक्चर उनको रामनगर लाया जाता है। एम्बुलेंस के बारे में क्या, वहाँ एम्बुलेंस के बारे में चिमटा खाल में वहाँ पर उनकी गाड़ी में डीजल ख़त्म हो जाता है। कई बार मैं अपनी गाड़ी से खुद कई मरीजों को लेकर रामनगर चिकित्सालय में मैं लेके आया हूँ। वो पानी का विभाग है, कोटेश्वर पेयजल योजना जो कांग्रेस के कार्यक्रम में बनी थी, माननीय रणजीत राव जी ने जो योजना बनाई थी कोटेश्वर रामगढ़ योजना, उसको योजना के बाद में हमने कहा चलो इस पानी आ जाएगा, हमको पानी मिल जाएगा। पानी का आजकल आपको पता है वो 6 महीने से पानी बंद पड़ा है, उसमें भी मैं 0 दिखा। बाकी पानी की बड़ी समस्या है, वो उसका समाधान नहीं हो पाया। स्वास्थ्य विभाग अस्पताल के बारे में बीच में मैंने कहा था, वहाँ पर कई दिन से वहाँ रोड बिल्कुल बेकार रोड थी, विधायक जी के से कहने के अनुसार अब उसका काम चल रहा है, तो वहाँ पर बड़ी समस्या है। हमारी जो सल्ट की जो आज सल्ट ब्लॉक से पलायन इतना परसेंट ज़्यादा परसेंट वहाँ पलायन हो रहा है, उसका कारण मेन यही है। बहरहाल विरोधियों का अपना तर्क है, लेकिन एक तर्क ये भी है कि सल्ट विधानसभा क्षेत्र कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है जहां हर साल हजारों सैलानी पहुंचते हैं। ऐसे में अगर पर्यटकों को सल्ट विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन स्थल तक आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो पर्यटन का दायरा बढ़ सकता है। हालांकि आने वाले वक्त में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की कोशिश कितनी रंग लाती है अभी से कुछ कह पाना जरा मुश्किल है। जहां से अगर हम रामनगर की दूरी देखते हैं तो सिर्फ 60 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, और जो विधायक दावा करते हैं कि ये क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।